कि नाइकी एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है और काफी अच्छे रनिंग शूज निकालता है, लेकिन यहाँ पे मैं आज लेके आया हूँ नाइकी के तीन ऐसे रनिंग शूज जो कि बेस्ट सेलर हैं मिड बजट सेगमेंट के अंदर। और अगर तुम्हारा बजट भी यहाँ पे 3000 से लेके 4000 के बीच में है तो तुम इन तीन रनिंग शूज के लिए जा सकते हो। नाइकी के अपने बेस्ट सेलर हैं और काफी अच्छे हैं रोड रनिंग के लिए, काफी अच्छा कंफर्ट देते हैं, काफी अच्छे कुशनिंग देते हैं। ये जो नाइकी के तीन ऐसे रनिंग शूज हैं, हालांकि मैं पहले भी इन्हें कवर कर चुका हूं, लेकिन मैं बताऊंगा कि ये बेस्ट सेलर क्यों है, इनके पीछे क्या रीजन है जो कि ये नाइकी के बेस्ट सेलर्स हैं मिड बजट सेगमेंट के अंदर। अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना और सारे के सारे रनिंग शूज के लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, चाहे तो वहां से नहीं चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जहां पर तुम्हें हेल्थ फिटनेस एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं। साथ साथ हेल्दी अपडेट्स के लिए तुम्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, सारे के सारे लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो करते हैं वीडियो कंटिन्यू। नाइकी के यहाँ पे बेस्ट सेलर की लिस्ट में जो कि मिड बजट सेगमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं, सबसे पहला यहाँ पे जो रनिंग शूज है वो है नाइकी का डाउन शिफ्टेड 12 रनिंग शूज। ये काफ़ी अच्छा रनिंग शूज़ है, हाल ही में मैंने इसे कवर किया था। अगर हम इस रनिंग शूज़ के यहाँ पे अपर की बात करते हैं तो इसमें तुम्हें काफ़ी लाइटवेट ब्रीदेबल अपर मैश देखने को मिलता है। इसका अपर मैश काफ़ी यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, जब भी तुम इसे पहन के रनिंग करोगे तुम्हें काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। और मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि नाइकी डाउन शिफ्टेड 12 का जो ब्रीदेबल मैश है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा कूलिंग इफेक्ट देता है। जब भी आप इसे पहन के रनिंग करते हो लॉन्ग ड्यूरेशन की तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन है इस रनिंग शूज की। वहीं इसके इंसोल की बात करें तो सॉफ्ट फोम इंसोल इसमें देखने को मिल जाता है, जो इसे काफी अच्छी कंफर्टेबिलिटी देता है, स्वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। मिडसोल की बात करें तो सुपर सॉफ्ट फोम मिडसोल देखने को मिलता है जो कि थिक है और सपोर्टिव है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट देता है जब भी इसे पहन के रनिंग करते हैं। साथ ही साथ इसका मिडसोल काफ़ी ड्यूरेबल है और जब भी इसको पहन के रनिंग करोगे आप तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ओवरऑल कुशनिंग की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि इसमें सुपर सॉफ्ट फोम मिडसोल का यूज़ किया गया है जो कि थिक है, जो कि आपको यहाँ पे प्रीमियम कुशनिंग देता है। और कुशनिंग के कारण ये रनिंग शूज़ काफ़ी अच्छा रिबाउंस करता है, बाउंस बैक करता है जब भी इसे पहन के रनिंग करते हो, काफ़ी अच्छी राइड देता है और एनर्जी ट्रांसफर में हेल्प करता है जिससे रनर की जो पेस है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होती है। तो ओवरऑल इसकी कुशनिंग की बात की जाए तो हार्ड सरफेस के लिए काफी अच्छी कुशनिंग है, इसको ग्राउंड पे पहन के रनिंग कर सकते हो, इसको कहीं पे भी पहन के रनिंग कर सकते हो। मुझे ये पर्सनली काफी अच्छा रनिंग शूज लगा है। कंफर्ट की बात की जाए तो मुझे ये पर्सनली काफी कंफर्टेबल रनिंग शूज लगा है, इसे पहन के कभी कभी ऐसा फील होता है कि रनिंग शूज हमने पहना ही नहीं है। बेसिकली कंफर्टेबिलिटी में नाइकी का डाउन शिफ्टर 12 काफी अच्छा है, मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। वहीं अगर इसके आउटसोल की बात की जाए तो आउटसोल में पूरी तरह से रबर का यूज किया गया है जो काफी अच्छी ग्रिप एंड ट्रैक्शन देता है। आपको इस रनिंग शूज में काफी अच्छी ग्रिप एंड ट्रैक्शन मिलेगी हर एक सरफेस पे और ये काफी परफेक्ट यहाँ पे ग्रिप देता है, जब भी पहन के रनिंग करोगे तो खुद ही फील हो जाएगा। तो ओवरऑल इसके आउटसोल काफी अच्छा है, काफी ड्यूरेबल है और साथ ही साथ काफी अच्छी ट्रैक्शन एंड ग्रिप देता है। वहीं इसके वेट की बात की जाए तो सिंगल रनिंग शूज का जो वेट है वो अराउंड 275 से लेकर 276 ग्राम के बीच में है जो मैंने मेजर किया, और ये काफी लाइट वेट है और खुद ही फील भी होता है जब भी इसे पहन के रनिंग करते हैं, क्योंकि मैंने जब पर्सनली खुद इसे पहना है तो मुझे काफी लाइटवेट फील हुआ है। वहीं अगर लुक वाइज बात करें तो लुक वाइज भी ये काफी स्टाइलिश रनिंग शूज है। इसमें तुम्हें नाइकी का स्ट्रिप्स देखने को मिल जाते हैं इन द लेटर ऑफ द रनिंग शूज, जो कि काफी अच्छा लगता है। नाइकी का जो साइन है वो काफी अच्छा लगता है इसमें। और प्राइस टू वैल्यू की बात की जाए तो अभी ऑफर चल रहे हैं, इसको ग्रैब कर लेना क्योंकि अदरवाइज ये फिर से अपने कॉस्ट पे आ जाएंगे, जिसकी रेंज अराउंड 4000 के आसपास है। लेकिन अभी ये अमेजोन पे अवेलेबल है 30-40% डिस्काउंट में, जो कि काफी अच्छी डील हो सकती है, एक प्राइस टू वैल्यू डील हो सकती है। जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं पूरी तरह से वर्थ इट है प्राइस, और मुझे पर्सनली ये रनिंग शूज काफी अच्छे लगे और इसी वजह से नाइकी का बेस्ट सेलर भी है नाइकी का डाउन शिफ्टर 12 रनिंग शूज। वही बात करते हैं नाइकी के रेवोल्यूशन 6 की, जो कि नेक्स्ट यहाँ पे बेस्ट सेलर है नाइकी का। जहां तक बात आती है कि किस रनिंग शूज के लिए आपको जाना चाहिए तो मैं इस वीडियो के एंड में वो जरूर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नाइकी के रेवोल्यूशन 6 रनिंग शूज की। अगर इस रनिंग शूज की बात करें तो इसका जो मैश है वो काफी अच्छी वेंटिलेशन देता है, काफी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी देता है और काफी अच्छी ड्यूरेबिलिटी भी देता है, क्योंकि इसका जो अपर मैश है वो प्लस मैश है जो कि काफी अच्छा 4 फुट को सिक्योर रखता है। साथ ही साथ
ये बना हुआ है सिंथेटिक फाइबर से जो कि काफी अच्छी वेंटिलेशन देता है और फ्लेक्सिबिलिटी। मिडसोल की बात करें तो इसमें भी थिक ईवीए मिडसोल देखने को मिल जाता है, बेसिकली सॉफ्ट फॉर्म मिडसोल है जो कि बाउंसी राइड देता है, कुशनिंग को बेहतर बनाता है, शॉक एब्जॉर्प्शन में काफी हेल्प करता है। किसी भी हार्ड सर्फेस पर अगर रनिंग कर रहे हो आप तो आपको काफी अच्छा यहाँ पर शॉक एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ एनर्जी को रिटर्न करने में भी हेल्प करता है जिससे जो रनर होता है उसकी पेस भी इंप्रूव होती है। तो यहाँ पे नाइकी डाउनशिफ्टर 12 एंड नाइकी रेवोल्यूशन 6 के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही काफ़ी अच्छे रनिंग शूज़ हैं। इनसोल में भी सॉफ्ट फॉर्म इनसोल देखने को मिल जाता है जो कि स्वेट अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ओवरऑल कुशनिंग में भी हेल्प करता है। ओवरऑल कुशनिंग इस रनिंग शूज़ की काफ़ी अच्छी है, रोड रनिंग के लिए परफेक्ट रनिंग शूज़ है, ग्राउंड पर रनिंग कर सकते हैं इसे पहन के आसानी से, और किसी भी सर्फेस पर अगर रनिंग करेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे कुशनिंग देखने को मिल जाती है, कोई इशू नहीं आता। वहीं अगर वेट की बात की जाए तो वेट वाइज भी ये काफ़ी लाइट वेट रनिंग शूज़ है। अगर इसके वेट की बात करें तो 261 ग्राम के आसपास इसका वेट आता है जो कि थोड़ा लाइटर है एज़ कम्पेयर टू नाइकी के डाउनशिफ्टर 12 से जो मैंने मेज़र किया। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो दोनों ही रनिंग शूज़ काफ़ी लाइट वेट हैं, मुझे कोई ऐसा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो नाइकी का डाउनशिफ्टर 12 है वो भी पहनने के बाद काफ़ी लाइट वेट लगता है, फील आता है कि रनिंग शूज़ पहना ही नहीं है। वैसा ही नाइकी के रेवोल्यूशन 6 के पास भी यही फीचर्स हैं कि वो पहनने के बाद काफ़ी लाइट फील होता है और रनर को काफ़ी हेल्प मिलती है इस चीज़। वहीं नाइकी रेवोल्यूशन 6 के आउटसोल की बात करें तो इसमें रबर का यूज़ देखने को मिल जाता है, बेसिकली कंप्यूटर जनरेटेड डिज़ाइन है जो कि नेचुरल पिस्टन इफेक्ट के लिए जाना जाता है, जिससे रनर की जो पेस है काफ़ी अच्छी इंप्रूव होती है और साथ ही साथ रनिंग शूज़ की जो आउटसोल की ड्यूरेबिलिटी है उसको भी बढ़ाता है, काफ़ी अच्छी ग्रिप एंड ट्रैक्शन के लिए जाना जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा रनिंग शूज़ है अगर हम इसके रनिंग शूज़ के ओवरऑल फीचर्स की बात करें, और कम्फर्ट के मामले में भी रनिंग शूज़ काफ़ी अच्छा है। प्राइस टू वैल्यू रनिंग शूज़ है, 100% अपनी जो प्राइस है उसका ये वैल्यू प्रोवाइड करता है, पूरी तरह से वर्थ इट है और अभी फ़िलहाल डिस्काउंट में चल रहा है, अमेज़ॉन पे देखने को मिल जाएगा और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसी वजह से, ताकि जाके जल्दी से ग्रैब कर लो आप लोग, अदरवाइज़ ये जो डील है वो मिस हो जाएगी। और वैसे भी अगर डील भी मिस हो जाती है और आपको ये रनिंग शूज़ 20-30% डिस्काउंट में देखने को मिलता है बाद में भी, तो भी इस रनिंग शूज़ के लिए जा सकते हो, ये तीनों रनिंग शूज़ बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है। वही जो नाइकी के मिडवेस्ट के अंदर बेस्ट सेलर रनिंग शूज़ है, जो थर्ड रनिंग शूज़ है वो है नाइकी का रेवोल्यूशन 6 फ्लाइज रनिंग शूज़, ये भी बेस्ट सेलर की कैटेगरी में आता है नाइकी के, और ये भी रनिंग शूज़ बिल्कुल सिमिलर है नाइकी रेवोल्यूशन 6 की तरह, बस इसमें यहाँ पे एक रैप अप अराउंड देखने को मिल जाता है जिप ऑन द बैक ऑफ द रनिंग शूज, क्योंकि इसमें लेस अप क्लोजर्स नहीं है जिसकी वजह से रनर को काफी आसानी होती है और बहुत जल्दी से वो रनिंग शूज को पहन सकता है, उतार सकता है। तो रैप अप अराउंड इसके हील्स में देखने को मिल जाता है, एक स्ट्रैप देखने को मिल जाता है जो पूरी तरह से सिक्योर रखता है रनिंग शूज को, चेन अप क्लोजर है इसमें। तो नाइकी के रेवोल्यूशन 6 फ्लाइज रनिंग शूज और नाइकी रेवोल्यूशन 6 के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यही एक डिफरेंस है, अदरवाइज अपर मिडसोल इनसोल एंड कुशनिंग एंड आउटसोल सारा कुछ सिमिलर ही है और वेट भी अराउंड सिमिलर ही है, 269 ग्राम के आसपास देखने को मिलता है। तो इसमें जस्ट एक फ्लाई इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, मतलब कि आप जल्दी से उसे पहन सकते हो, जल्दी से उसे उतार सकते हो, आपको लेसअप के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो अगर आप भी ऐसा रनिंग शूज़ चाहते हो जिसमें आपको लेसअप क्लोजर ना चाहिए हो तो ये रनिंग शूज़ आपके लिए परफेक्ट हो सकता है मिड बेल्ट सेगमेंट के अंदर। और ये जो रनिंग शूज़ है अभी अवेलेबल है 30-40% डिस्काउंट में, जो कि पूरी तरह से वर्थ इट है। ये तीनों के तीनों रनिंग शूज़ नाइकी के बेस्ट सेलर हैं और काफ़ी ज़्यादा बिकने वाले रनिंग शूज़ हैं, इसी वजह से जो इनकी क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू देयर प्राइस, क्योंकि इनका जो प्राइस है वो अराउंड 4000 के आसपास देखने को मिलता है, बट जो इनकी क्वालिटी है वो एक प्रीमियम रनिंग शूज़ की तरह ही है और ये रनिंग शूज़ आउट ऑफ स्टॉक ज़्यादा रहते हैं, इसी वजह से अगर इन रनिंग शूज़ को आपको लेने का मौका मिले तो इनको ज़रूर ले लेना। वही मैं बात करूँ इन तीनों रनिंग शूज़ में से किस रनिंग शूज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, तो मुझे यहाँ पे तीनों रनिंग शूज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता, परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छे रनिंग शूज़ हैं और काफ़ी अच्छा अपना आउटपुट देते हैं। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लुक वाइज तो यहाँ पर नाइकी के डाउनशिफ्टर 12 को ज़्यादा मैं यहाँ पर प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि लुक वाइज वो ज़्यादा अच्छा लगता है। वहीं नाइकी रेवोल्यूशन 6 एंड 6 फ्लाइज ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं,
मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपका सोल पर्पस यहाँ पे सिर्फ रनिंग करना है, रनिंग शूज़ पहन के या स्पोर्ट्स खेलना है, तो आप इन तीनों रनिंग शूज़ में से किसी के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे लेसअप क्लोज़र नहीं चाहिए तो आप फ्लाइज के लिए ज़रूर जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे लेसअप क्लोज़र चाहिए तो आप नाइकी डाउनशिफ्टर 12 या फिर नाइकी के रेवोल्यूशन 6 के लिए जा सकते हैं। तो इन दोनों में से जो भी रनिंग शूज़ आपको यहाँ पे कम प्राइस में मिलता है उसके लिए जा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये तीनों ही रनिंग शूज़ काफ़ी परफेक्ट रनिंग शूज़ हैं, इसी वजह से नाइकी के बेस्ट सेलर की लिस्ट में आते हैं। ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर मैंने आप पे नाइकी के टॉप 3 बेस्ट सेलर्स को कवर किया। आशा करता हूँ कि वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस करना ना भूलना। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे वाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।